गोद लेने के बाद किया अनाज, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में अपनों की खा, हर सांसद ग्राम की यही कहानी, क्या यूपी में दोहराएंगे राजधानी? जी हाँ, एक साल में एक गांव की तस्वीर बदलने का वादा हुआ था, लेकिन ये वादा हकीकत से कोसों दूर ही है। लगभग 9 महीने के बाद भी सांसदों के आदर्श गांव में विकास के नाम पर जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो वाकई वादे पर आघात ही करती हैं। अब 2017 में उत्तर प्रदेश में रण सजेगा, तो क्या यूपी में भी राजधानी दिल्ली दोहराने की तैयारी है? गोद लेने के बाद किया अनाज, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में अपनों की खा, हर सांसद ग्राम की यही कहानी, क्या यूपी में दोहराएंगे राजधानी? जी हाँ, पीएम मोदी ने बड़े ही जोर शोर से इस योजना का बखान किया था और वक्त तय किया था एक साल एक आदर्श गांव, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गोद लेने के बावजूद भी अनाथ क्यों है ये गांव? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिवकांत ओझा जुड़ चुके हैं, इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल समाचार प्लस ने सरोकार निभाते हुए इन गांव की पड़ताल की तो सारी पोल खुल गई, क्योंकि गोद लिए गए ये गांव तो आज तक अनाथ ही हैं। क्या अपने ही लगा रहे हैं योजना में पलीता? याद कीजिए 15 अगस्त 2014 का वो दिन, जब लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने अरमानों को हवा में लहराया था, वो भी आदर्श गांव के खातिर। बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी ये महत्वाकांक्षी योजना, नाम रखा गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। लेकिन ये योजना सिर्फ नामकरण तक ही सिमट कर रह गई, क्योंकि कोई योजना बना ही नहीं पा रहे पीएम के अपने सांसद भी। चलिए चंद तस्वीरें देखिए, तासीर खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। संसदीय क्षेत्र अलीगढ़, सांसद सतीश गौतम, गोद लिया गांव वैरावत, फेल। सांसद सतीश गौतम ने जब गांव को गोद लिया था, गुजरात के विकास का मॉडल दिखाया था। अब इन तस्वीरों के बाद कुछ कहना मुनासिब तो नहीं लगता। अभी तक कछुआ करो, ऐसे कह रहे जी करवाऊंगे वो करवाऊंगे, वायदा करके चले गए। संसदीय क्षेत्र उन्नाव, सांसद साक्षी महाराज, गोद लिया गांव टीकरगढ़ी, फेल। ये साक्षी महाराज का गोद लिया गांव है। अब गांव का विकास तो तब होता जब महाराज को बच्चों की संख्या तय करने से वक्त मिलता। गिनती की बात करें तो महाराज खुद एक बार गांव में आए, वो भी जन्मदिन मनाने। विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई भी, एक ईंट नहीं रखी गई विकास के नाम पे। संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, गांव लिया गोद परसेड़ा, फेल। परसेड़ा गांव की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही है। विकास के नाम पर मुंह चिढ़ाते ये रास्ते और गांव की गलियों में भरा हुआ पानी ही है फिलहाल तो। विकास कब होगा राम जाने। संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, सांसद योगी आदित्यनाथ, गोद लिया गांव और आही, फेल। ये योगी जी का गोद लिया गांव है और आही, यहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है सिवाय सर्वे के। इस गांव में भी विकास की घर वापसी अब तक तो नहीं हुई है। संसदीय क्षेत्र देवरिया, सांसद कलराज मिश्र, गोद लिया गांव प्यासी, फेल। वैसे तो प्यासी गांव के नाम में ही वो दर्द छुपा है जिसे कुरेदने की कोई जरूरत ही नहीं है। पीएम की महत्वाकांक्षी योजना के इस गांव में आदिम सभ्यता के सारे अवशेष आपको जीवित अवस्था में मिल जाएंगे, सिर्फ विकास को छोड़कर। एक चम्मच पानी के लिए भी नदी ही सहारा है। सांसद जी कह रहे हैं गोद लिया है तो काम भी करेंगे। हमने लिया है, उसको करवाएंगे, हम व्यवस्था कर रहे हैं और हर तरीके से व्यवस्था करेंगे। बहरहाल ये हाल है पीएम की महत्वाकांक्षी योजना का। 9 दिन में जहां 2.5 कोस चलने की कहावत है, वहीं पीएम के अपने सांसद तो 9 महीने में 9 कदम भी नहीं चल पाए हैं। सवाल ये है कि क्या अपने ही लगा रहे हैं योजना में पलीता?
आखिर क्यों गोद लेने के बाद भी गांव है अनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल यही है कि आखिर गोद लेने के बावजूद भी क्यों अनाथ है ये गांव। इसलिए सवाल ये भी उठता है, क्या यूपी में भी दिल्ली दोहराएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शिवकांत ओझा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये सच्चाई है सांसद आदर्श गांव की, वक्त रखा था एक साल लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं, हालात जस के तस हैं। देखिए ऐसा है कि सांसद जो गांव ले रहे हैं, हेलो जी जी, उन गांव में पैसा कहां है, पैसा कहां है? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषित किया था तो उन गांव के लिए पैसे का इंतजाम तो किया नहीं कुछ उन्होंने, और पैसे का कोई व्यवस्था नहीं की गई। और अगर यह होता कि सांसद महोदय अपने सांसद निधि से विकास इन गांव का कराएंगे तो, हुँ, हुँ, इको कर रही बात है। बोलिए बोलिए शिवकांत जी, बात इको कर रही है। अब बोलिए, आपकी क्लियर पहुंच रही है आवाज। हाँ, प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो घोषणा दी थी, हाँ ठीक ठीक, उस घोषणा में हर सांसद को एक अपने क्षेत्र में आदर्श गांव बनाना था। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के दबदबा के कारण भाग भाग कर लोगों ने कोई गांव चुना, लेकिन गांव चुनने से ही गांव का विकास नहीं हो जाता। गांव विकसित तब होगा जब उस गांव के भीतर विकास की समुचित योजना बने, योजना को लागू करने का पैसा मिले और पैसे को सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग हो। लेकिन केंद्र सरकार ने सांसदों के एक आदर्श गांव के विकास के लिए न तो अपने बजट में कोई प्रावधान किया कि हम ये विकास इस गांव के भीतर करेंगे, इसके इतना पैसा लगेगा, उसका पैसा हम देंगे। तो सांसद अगर अपनी आपकी बात आ गई, आप कहना चाह रहे हैं कि पैसे तो दिए नहीं गए इस योजना के लिए, फिर कैसे विकास होगा? सुरेंद्र जी, क्या यही दिक्कत है जो बात शिवकांत ओझा जी कह रहे हैं, वो भी तब जबकि सांसद अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाते? देखिए गायत्री, मैं बड़ी स्पष्ट बात बोलूं, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि बात बहादुरी से काम नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये बतकही के चक्कर में फंसे हुए हैं। पिछले अगर 2-2.5 साल से आप देखें तो इन्होंने पोस्ट इलेक्शन जब प्रधानमंत्री भी बन गए तब भी ये अपने आप को बात बहादुर ही साबित करने में लगे हुए हैं। सच ये है कि अगर सांसद चाहे, पहली चीज तो आदर्श ग्राम योजना सारे ग्राम आदर्श होने चाहिए, लेकिन अगर एक ग्राम को भी आप आदर्श बनाने की बात करते हैं तो किसी भी बात को कहने से पहले प्रधानमंत्री जी से यह उम्मीद होती है कि वो सारा खाका खींच डालेंगे और सारी चीज ब्लूप्रिंट देंगे अपने सांसदों को, और अपने सांसदों को ब्लूप्रिंट देने के बाद कहेंगे कि साहब आप इस पर पैरामीटर्स क्लियर नहीं है, आपका पैसा कहां से आएगा क्लियर नहीं है, ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है, वो ग्राम जो है वो लोहिया ग्राम आवास में नहीं होने चाहिए, अंबेडकर ग्राम आवास में नहीं होने चाहिए, उसके सारे कोई भी नियम कानून क्लियर नहीं है। तो आज की डेट में सांसद स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है। अगर आप देखें, मैं तो सारी चीजों को देख रहा था, सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ जी में आपने कहा कि उन्होंने सर्वे किया खाली, बाकी किसी ने तो वो सर्वे भी नहीं किया। तो यहां पर दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। सांसद लोग मस्त हैं क्योंकि वो मोदी के नाम पर जीत गए हैं, उन्होंने कहा कि दोबारा भी जीतेंगे तो भी मोदी के नाम पर जीतेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी के अभाव में प्लस लिखित कानूनों के अभाव में सारी चीजें कहीं ना कहीं गड्ढमगड्ढ होती जा रही हैं। अगले अभी 3-4 महीनों बाद आप और देखेंगे कि इस सिरों को पकड़ेंगे तो वो सिरा छूट जाएगा इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों मोदी की इस योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के सांसद? गायत्री, जो देश की व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है
और हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिस प्रकार अमिताभ जी का भी कहना होता है कि हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करनी होगी, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, सबको सरकार के सामने जाना पड़ता है। और सभी सांसदों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद हैं, सभी ने यह बात कही कि जब हम डीएम के पास जाते हैं, जब हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार की योजनाएं, जो 67 योजनाएं भारत सरकार की उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, किसी में भी सांसदों को उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का डायरेक्टिव दे रखी है, कमिश्नर से लेकर डीएम तक की, वो सांसदों को बुलाते तक नहीं है। और योजनाएं, जब 67 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में, जब भारत सरकार की चल रही हैं, उस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश भर में अगर 542 सांसद हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, तो यह अधिकार उनको होना चाहिए कि एक सबसे अविकसित ग्राम, ऐसी ग्राम सभा जो अभी उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, उसको विकसित किया जाए। प्रारंभ किया, ठीक है, आपकी बात आती है और आपका जवाब शिवाकांत ओझाजी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अमिताभ जी आपके पास, ये गोद लिए गए थे गांव, लेकिन आज तक अनाथ क्यों है? देखिए शिवाकांत जी अभी आएंगे आपके पास, इसमें एक बात मैं कहूं आईपी सिंह जी से, आईपी सिंह जी जब सांसद निधि का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, नरसिंह राव जी की सरकार का समय था, उस वक्त भारत की संसद ने उसके कायदे कानून तय कर दिए, चाहे सरकार ममता बनर्जी की हो, अखिलेश यादव की हो, लालू यादव की हो, नीतीश बाबू की हो, जीतन राम मांझी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। किसी पार्टी का सांसद हो, सांसद निधि पर उसका अधिकार अक्षुण्य है। कोई विधायक सांसद ऐसा मुझे बता दो सांसद जो कहे कि भाई मेरे यहां विरोधी पार्टी की सरकार थी, इसलिए मेरे क्षेत्र में सांसद निधि का उपयोग नहीं होने दिया मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने, संभव ही नहीं। जो बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, आप उसका एक फ्रेमवर्क देते एक, और दूसरी बात मैं तो इससे अलग हटके बात कहता हूं, जिस आदर्शवाद की बात लाल किले से मोदी जी ने की, उन्होंने एक और जुमला कहा था, वो स्मरण से चूक गए सब लोग, उन्होंने कहा था मैं इस योजना में पैसे का झंझट ही नहीं रख रहा हूं। तो काहे का झंझट रखोगे, दुआ से काम होगा, दुआ और आशीर्वाद से काम होगा, काम तो पैसे से होगा या। और मैं इस बहस को इसमें क्यों केवल बीजेपी के लोगों का हमने रियलिटी चेक क्यों कराया, काम ना समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया, ना कांग्रेस के, ना भाजपा के, किसी ने नहीं किया, लेकिन हम बीजेपी को इसलिए फोकस किया कि बीजेपी के सांसदों पर ओनस ज्यादा था, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी अपने प्रधानमंत्री को सही साबित करने के लिए। दिक्कत मालूम कहां पर आई, मैं तो उनसे भी आगे जाता हूं, अगर सांसद चाह ले तो इतना समर्थ तो हर जो आदमी सांसद बनता है ना, मेरी बात से शिवाकांत ओझा जी सहमत होंगे, सुरेंद्र जी सहमत होंगे और दिल में आईपी सिंह जी भी सहमत होंगे, जो सांसद बनता है ना उसका इतना संपर्क तंत्र जरूर होता है कि एक गांव की काया पलटना चाहे तो अपने ही बल पर बदल दे। एक गांव इतने बड़े इशू नहीं है, किसी सांसद के घर चले जाइए, उससे मिलने जुलने वालों का जो क्लास है ना, उस इलाके के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब उसके संपर्क में होते हैं, वो विषय नहीं। ना तो वो किया आपने और ना प्रैक्टिकलिटी को स्वीकार किया कि नाकायदे कानून तय करते आप राज्य सरकार, आप कह रहे हो कि कलेक्टर ने पूछता, आप संसद से ऐसे नियमावली बना के भेजते कि कलेक्टर बाध्य होता। अगर मैं आपकी बात सही भी मान लूं, आखिर सांसद निधि में बाध्य है ना कलेक्टर, है ना, क्या कर लेता है कलेक्टर, क्या दुर्दशा हो रही है आईपी सिंह जी, ये पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं, आज ये बहुत टेक्निकल विषय है, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये वैसा विषय नहीं, ये बहुत टेक्निकल विषय, इसमें उसी पर रहेंगे आज हम लोग। इसलिए मेरा मानना है आपने हवा में तीर क्यों चलाया, आपने देश भर के 542 44 45 लोकसभा
और पौने 300 राज्यसभा, इतने गांव में एक उम्मीद जगा दी। 9 महीना गुजर गए, बच्चे कितने? 3 महीना बच्चे हैं अवधि में, 1 साल में कायाकल्प होना था। 3 महीने में क्या कर लेंगे जब अभी तक सर्वे नहीं हुआ? ये धोखा जो है ना गरीब आदमी के साथ, ये गलत है। शिवाकांत जी गलत बात तो नहीं बोली ना जी? ना बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। और आरपी सिंह साहब जो बात कह रहे हैं, या तो अज्ञानता में कह रहे हैं या जानबूझ करके अपने माननीय मोदी जी को अनर्गल ढंग से डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार शिवाकांत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप अपने बारे में विचार करिए। और जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की योजनाएं, आपने मंत्री रहते उत्तर प्रदेश लागू किया, एक बार उनको सुन लीजिए। आप राजनीतिक बात मत करिए। आईपी सिंह जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई तुलना मोदी से नहीं की जा सकती, इस बात को ख्याल रखिए आप। दूसरी चीज, मैं कोई बात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो इश्यू खड़ा किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमने लोहिया ग्राम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने निश्चित किया है, उसका ब्लूप्रिंट हमने बनाया। उस ब्लूप्रिंट में पैसा कहां से किस खेले कहां कितना जाएगा वो किया, और चयनित करने का काम माननीय विधायकों को दिया गया कि आप अपने गांव के, अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 गांव 5 गांव एवरेज चयनित कर लीजिए। आप इस बात को जानते हैं, केंद्र की सरकार अपने समग्र गांव के भीतर मात्र 75,000 रुपए के आवास के लिए देती है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने स्रोतों से जनता के हित में लोहिया ग्राम में 3,05,000 रुपए एक आवास के लिए दी रही है। इसलिए दे रही है कि एक परिवार समुचित कम से कम 2 मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन इसके साथ, और 30,000 रुपए हम सोलर लाइट के लिए अलग दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार जब सांसदों को निर्देशित करती है कि आदर्श गांव का चयन करें, तो अपने स्रोतों को क्यों नहीं बताती है? और सांसद जो 5 करोड़ रुपए माननीय सांसद जी को विधायक निधि मिलता, सांसद निधि विकास के लिए मिलती है, तो माननीय सांसद 5 करोड़ में क्यों विकास नहीं कर सकते, क्यों ब्लू प्रिंट नहीं बना सकते, क्यों विकास नहीं कर सकते उसका? इसका मतलब यह है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, हवा हवाई चलने की बात कर रही है, वो किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर पर व्यवहारिक धरातल पर उतर करके न तो व्यवस्था करने की सोच रही है, न उसके लिए आर्थिक ठीक ठीक होगा जी, ठीक बात नहीं भी जी, ठीक है स्थिति में आपकी बात आई। सुरेंद्र राजपूत जी, जब तक ब्लू प्रिंट नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं होगी। मूल प्रश्न 2 है, एक तो जो मैंने कहा कि सांसद अगर दिल से चाह ले तो फिर खुद भी कर सकता है, एक गांव इतना बड़ा नहीं होता है ना, हम सब लोग गांव को जानते हैं एक निश्चित, लेकिन निश्चित, अगर ऐसा माली सांसद की बुद्धि विवेक पर नहीं छोड़ो तो फिर एक लाइन खींच दो, राज्य सरकार भी बाध्य कि सांसद भी बाध्य काम करने के लिए। इंदिरा आवास योजना चली ना, इतनी सरकारें आई गई, मनरेगा चल रहा है ना, कांग्रेस विरोधी सरकारें हैं राज्यों में, वो मनरेगा बंद कर देगी क्या? नहीं ना, भारत की संसद ने कानून बनाया है भैया, राज्य सरकार क्या करेगी? सूचना का अधिकार कानून ऐसा होगा कि कांग्रेस शासित राज्य में लग चालू रहेगा और बीजेपी शासित राज्य में बंद हो जाएगा, संभव नहीं ना? बिल्कुल नहीं सर। आप संसद की मंजूरी तो देते हैं उसको, आपने उस महत्वाकांक्षी योजना पर संसद की मोहर लगवाते, उसकी पवित्रता और गंभीरता दोनों बढ़ जाती, ये चूक है या जानबूझ के बस एक शोषण छोड़ना था छोड़ दिया? देखिए अमिताभ जी, मैं आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आज का विषय बड़ा तकनीकी है, इसको राजनीति में न ले जाएं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विद्वान लोग इसको हास्यास्पद तरीके से अपने लोगों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर होगा ये सब लोग जनता के लोग हैं तो जनता के लोगों को जनता की बात करनी चाहिए, अगर कहीं कमी है तो उसको स्वीकारना चाहिए। सच बात यह है कि जितनी बातें पिछले 9 महीने में कही, स्पेशली आदर्श ग्राम योजना के बारे में, अगर आप ध्यान से देखें संसद में 3 मिनट 41 सेकंड बोले, वो भी दूसरे इश्यूज पर। आपको अगर ध्यान से देखेंगे, अगर वहां पर आप वो करेंगे, आवाज इको करें इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है अमिताभ जी। जी जी, जो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी ब्लूप्रिंट, जैसा आपने कहा कि जिस जिस
योजना को संसद की मंजूरी मिल गई, वो योजनाएं राज्य सरकारें, जिला शहर, तहसील, सारे के सारे लोग बाध्य हैं करने के लिए, चाहे आरटीआई हो, चाहे राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, और चाहे अन्य मनरेगा हो, चाहे कोई योजना हो। ये बनाई किसने, कैसे बनाई, वो सब जानते हैं, इसकी कोई विस्तृत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। फैक्ट ये है कि बात बहादुर होने से, देखिए, सत्ता लाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, भ्रमजाल फैला सकते हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद मेरा अपना बड़ा विनम्र अनुरोध है कि आप झूठ से लाए, सच से लाए। लेकिन आज की डेट में अगले 5 साल के लिए सत्ता आ गई आपके पास, अब आप सत्ता में जितनी बातें कहते हैं उस पर अमिताभ जी जैसे लोगों का, गायत्री शर्मा जी जैसे लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान होता है, विपक्ष में उतना ध्यान नहीं होता। आज की डेट में आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप पूरी तैयारी के साथ नहीं करेंगे तो सिवाय आपको बात बहादुर कहलाने के और कुछ नहीं कहराएंगे। आप बराक एंड आई से काम नहीं चल रहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से काम चले। आईपी सिंह जी, एक सवाल मेरे जहन में आया उत्तर प्रदेश के आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नहीं, कॉमन मैन। 9 महीने हो गए आपके सांसद, जिसमें 2 मंत्री हैं, निरंजन ज्योति जी और कलराज जी, जो बात आपने कही मैं उसको एक क्षण के लिए मान भी लूं, एक क्षण के लिए, कि भाई शिवाकांत ओझा जी की सरकार सहयोग नहीं कर रही, एक क्षण के लिए आरोप अगर मैं मान लूं, आपके इन 7 सांसद जिसमें 2 केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने किसी पब्लिक फोरम पर जनता के सामने ये बात रखी कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं प्रयास? नहीं ना। आज ये बात क्यों आप कह रहे हो? कलराज जी बोले ये नहीं, निरंजन ज्योति जी बोली नहीं, गौतम बोले नहीं, साक्षी बोले नहीं, साक्षी जी के पास तो टाइम ही नहीं, वो बच्चे पैदा करने के अकाउंट में लगे हुए, वो कैलकुलेटर लेके घूम रहे देश भर में बच्चों का। तो सवाल ये है, ये बात आपने कभी बोली? तो फिर मैं शिवाकांत ओझा जी से पूछता कि भाई आप रोड़ा क्यों पैदा कर रहे हैं? आईपी सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस तरह तरह की बातें लेकर सामने आती है, कांग्रेस के पास बातों के सिवा कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक सांसद के अगर उसका क्षेत्र देख लिया जाए तो कम से कम 4 से 5 विधानसभाएं आती हैं। ये नई जानकारी है जो मुझे आज मिली है। अरे वो जानकारियां बहुत कुछ है, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। समाधान जो इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। सवाल यह कि अगर 4 से 5 विधानसभाएं हैं, उनमें सांसद के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर विधानसभा से कार्यकर्ता आते हैं, पब्लिक आती है, और सांसद से वो कभी रास्ते के नाम पर, कभी नल के नाम पर, और तमाम तरह की उस निधि का प्रयोग पूरे देश में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर एक ऐसे ग्राम सभा को चुनना था जिसका विकास किया जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अमिताभ जी, मैं कम से कम 10-12 सांसदों के साथ मैं बैठा, मैं संत कबीर नगर के सांसद के साथ, शरद त्रिपाठी जी के साथ बैठा, मैं जगदंबिका पाल जी के साथ, मैं उनके साथ मेरी एक से 1.5 घंटे वार्ता हुई, ऐसे 10-12 सांसदों के साथ बैठा, और विश्वास करिए कि वो लोग काम करना चाहते हैं। संत कबीर नगर में सांसद अभी धरने पर बैठे हैं कि कम से कम डीएम हमारी बात को तो सुने, जिन गांवों को हमने एडॉप्ट किया है, जिस गांव में हम चाहते हैं उसका विकास हो, उसके लिए डीएम सहयोग नहीं करता, सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए साक्षी महाराज के एक बात को लेकर हम निरंजन ज्योति की एक बात को लेकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको स्वीकार करना होगा। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, इन जनप्रतिनिधियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक मिनट होल्ड करिए शिवाकांत ओझा जी, मेरा सवाल सुनिए भाई, अमिताभ जी मेरा सवाल तो सुन लो भैया। मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिला अधिकारी रोड़ा पैदा कर रहे हैं, हालांकि ये बात इससे पहले नहीं आई लेकिन आज आई है।
आप सरकार के सीनियर मंत्री हैं, इसको रिस्पॉन्ड करिए। आप अमिताभ जी अभी फोन करिए, आप 72 सांसदों फोन करिए। मैं कहता हूं कि इन सांसदों से पूछिए कि जिले में स्थितियां किस प्रकार की खड़ा की जा रही है। सरकार का इस सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा है, यहां तक कि बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को उठाकर मुकदमे लाते जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। विकास का क्या लेना देना है मुकदमा और जेल के लिए इसका लेना देना, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इसका श्रेय भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी सांसद को मिले। विरोध पर उत्पन्न किया जा रहा है। सिंह जी एक मिनट रुक जाओ भाई। जी शिवकांत जी, आप अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, जी 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 अमिताभ जी, आपने एक इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा सवाल उठा खड़ा किया है आज। आपने भी एक सवाल खड़ा किया था 200 करोड़ रुपए के आईपीसी, क्या हुआ आईपीसी का सवाल आपने खड़ा किया था। भाई आरपी सिंह जी की आवाज बंद म्यूट करिए अभी। जी आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी आप जब शांत रहे, मेरी बात तो सुन ले आपने। जहां तक आरपी सिंह साहब ने सवाल खड़ा किया, माननीय सांसद की बात कलेक्टर साहब नहीं सुनते। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, बिल्कुल सत्य है सांसद के पास 5 सामान्य विधानसभाएं होती, 4-5-6 उनके पास कार्यकर्ता आते, जनता आती, उनके बड़े सारे काम की बात करते, सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग भी बहुत दिनों से जनप्रतिनिधि है। लेकिन सवाल यह है कि आदर्श ग्राम योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार में बहुमत की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री है, लाल किले से उन्होंने बड़ी दहबंदई से बड़ी दमदारी से घोषित किया था, तो उसमें कलेक्टर कहां बाधा है? आप अपनी योजना भेजते, उसका पैसा इलाज करते, हमारा उत्तर प्रदेश का कलेक्टर उसको ना करता, माननीय सांसद को उस मुद्दे पर सम्मान देने की बात ना करता, उनके कामों को लागू ना करता, तो कलेक्टर दोषी था, हमारी सरकार दोषी थी। हमने तो बार बार कहा कलेक्टर कहां से पैसा देगा, सरकार के पैसे को जब लोहिया ग्राम सरकार विकास में ले जाएंगे, अपने गांव के विकास करेंगे, तीन गांवों का विकास कैसे होगा? नहीं आरपी सिंह जी उत्तर तो दे दीजिए, कम से कम उत्तर दे दीजिए। जी जी आप तो सुन लो, मैं फैक्ट से बाहर बोलते हो आप। आज केंद्र सरकार जो समग्र गांव में पैसा दे रही है, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात आरपी सिंह साहब। समग्र गांव का पैसा केंद्र सरकार देती है, मात्र 75,000 रुपए के आवास के लिए दे रही है, और दम हो आपकी केंद्र सरकार के भीतर। उत्तर प्रदेश एक मॉडल है आज, गरीबों को जो जिनको 36,000 रुपए से कम आमदनी साल के भीतर है, 3,05,000 रुपए का आवास के लिए दे रहे हैं, 30,000 रुपया सौर ऊर्जा के लिए अलग दे रहे हैं, पानी पीने के इंडिया मार्का 200 अलग व्यवस्था कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से कर रही है, केंद्र सरकार के पैसे से नहीं कर रही इस काम को। 46 योजनाएं हम लागू कर रहे हैं अपने लोहिया गांव के भीतर। आप क्या बात करते हैं केंद्र सरकार को जो कुछ विकास किया है उत्तर प्रदेश की जनता देख सके कि ये सरकार विकास कर रही है और विकासोन्मुख इसकी योजना है। आईपी सिंह जी एक बात बोलूं, बहस मुझे कंडक्ट करने दीजिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। आप बताइए ना, बड़े बड़े आगे किए थे, दिखाया था। ओझा जी एक मिनट, आईपी सिंह जी एक बात सब लोग समझो, आप भी ओझा जी भी, सुरेंद्र राजपूत जी भी, विकास के लिए श्वेत पत्र, ब्लू पत्र, येलो पत्र, पिंक पत्र की जरूरत नहीं। गांव का स्कूल, गांव की गांव में सड़क, गांव में हैंडपंप, गांव में स्कूल, गांव में सुरक्षा, गांव में अस्पताल, सब दूर से दिखाई देता है, नेताओं के बोलने की भी जरूरत तो नहीं। आप समझ गए ना, विकास ऐसी अवधारणा है जो खुद में आवाज देती है। यह हमने गांव के लोगों से पूछा ना कि सांसद आए नहीं लौट के, इसमें श्वेत पत्र क्या करेगा? कोई श्वेत पत्र में आप कुछ भी लिख दो, मैं तो नहीं मानूंगा ना। मेरा श्वेत पत्र आराम है, मैं कैमरा लगाता हूं, उससे पूछता हूं चचा क्या हुआ। आप समझिए ना, इन श्वेत पत्रों की बहस में नहीं जाना। मैं मूल सवाल पर फिर आता हूं आईपी सिंह साहब, सरकार ने अगर यह घोषणा की, मैं ऐसी 50 महत्वाकांक्षी योजनाएं बता सकता हूं, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू नरेंद्र मोदी तक, जिनको केंद्र ने लागू किया, राज्यों के तमाम राजनीतिक विरोधों के बाद भी राज्य बाध्य हुए उसको स्वीकार करने के लिए। ये व्यवस्था है, इसी
आपने एक मंच से बोल दिया, एक चिट्ठी लिख दी वेंकैया नायडू ने, सांसदों ने खाना पूर्ति कर दी, कोई पलट के गया नहीं गांव में, इसका क्या उत्तर देंगे? अभी तो अखिलेश यादव के डीएम की बात ही नहीं पहुंची, वो गरीब महिला क्या कह रही कि आए नहीं भैया कभी पलट के, चुनाव समय आए थे फिर आए नहीं पलट के, फिर दूसरा जगह साक्षी जी का कह रहा है गांव कि जन्मदिन मनाने आए थे फिर आए नहीं, डीएम क्या करे? आप गए दोबारा नहीं, आपने कोई योजना भेजी नहीं, आपने कोई प्रयास किया नहीं, डीएम पर दोषारोपण कैसे कर दूं? आईपी सिंह जी, अमिताभ जी, ये आपकी बातें हो सकती हैं लेकिन मेरे सांसदों की, मेरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, लगातार योजनाओं पर चर्चा होती रहती है, निर्देश होता रहता पार्टी का काम के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं बहुत गंभीर है, कोशिश करते हैं लेकिन लगातार बाधाएं खड़ी की जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तकनीकी रूप से बहुजन समाज पार्टी अपोजिशन में है और उसका आर लेकर पिछले 12 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में खेल चल रहा है सपा बसपा का, यही एकमात्र कारण है कि बीजेपी का रोकने का ये दोनों दल प्रयास करते हैं, इसलिए हमें वहां सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं समाचार प्लस के माध्यम से, हमारी सरकार है, क्या मैंने आईपी सिंह जी की पूरी बात का सार समझ लिया? सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। सार ये है कि भैया इनने हथियार डाल दिए, इनके मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार इनका काम नहीं होने देगी, ठीक इनके मुताबिक, तो इनको लाल किले पर दोबारा जाके घोषणा क्यों नहीं कर देनी चाहिए कि 17 तक उत्तर प्रदेश में हम कुछ नहीं करेंगे कर पाएंगे? जब यही फैक्ट है तो घोषणा कर दो जाके, वहां उम्मीद तो नहीं पाले गरीब, मेरे गांव का जुम्मन और मेरे गांव का असर भी आसमान की ओर तो नहीं देखे कि साक्षी जी महाराज आएंगे और कृपा बरसाएंगे। सुरेंद्र जी देखिए, मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ी बात है, जो ये विद्वान प्रवक्ता है ये फैक्ट से हट करके सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपके अलावा फैक्ट साहब बताइए, मैं बताऊं कि मैं आप इसमें गलत कौन सी बात है, फैक्ट से मैं बताऊंगा मैं आपको भी फैक्ट बताता हूं। मैं आपको सच्चाई यहां पर यह है कि आप उत्तर प्रदेश से इतर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके उनके समक्ष उनके गांवों को आप ले लीजिए, क्या वहां पे आदर्श गांव बन गए क्या? आपको मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से गुजरात को पकड़ लेंगे। जब मैं भी अमिताभ जब मैं बोल रहा था तो ये लगातार इंटरप्ट कर रहा था और मुझे सवाल, इसलिए मैं कहता हूं कि विषयांतर करने का काम प्रारंभ किया। आईपी सिंह जी एक बार उठ जाए जी, सुरेंद्र जी अपनी बात कही जी। मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ होती है अमिताभ जी कि जब इस तरीके की बातें आती हैं और जब आपसे मुझे सुनना पड़ता है अपने विद्वान साथियों की वजह से, तो मुझे आपसे सुनने में बड़ी तकलीफ होती है और किसी से सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप इन तीनों को शामिल करके कहते हैं करे कोई और भरे कोई, इसका थोड़ा सा आप भी अगर ध्यान रखेंगे तो मेरी बड़ी सम्मान रहेगा, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि वहां पर जब आप बोलते हैं तो आपका कहा हुआ मेरे लिए बड़ा ब्रह्म वाक्य होता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे। तो ये और कोई बात नहीं है, मेरा एक ये निवेदन है आपसे, और कोई बात नहीं, तो आप इस चीज को देखें कि अगर इन लोगों ने योजनाएं बनाई होती, इन लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया होता, तो पूरे देश में कम से कम कोई 20 30 50 सांसद भाई 283 जीते हैं, सहयोगी दलों के साथ 330 जीते हैं, तो वहां के गांवों की भी योजना ले आए ये लोग, किस किस गांव में क्या हुआ है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र तो सबसे वीआईपी क्षेत्र है जैसिंहपुर, आप वहां की योजनाएं ले आइए कि आप क्या लाए हैं वहां पर, आप और जगह की योजनाएं ले आइए। सच ये है कि लोकतंत्र में अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, आप इस चीज को देखें, ये चाहते हैं कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के अंडर में हो जाए तो हम विकास कर देंगे साहब, कैसे कर देंगे आप पूरा देश आपको कैसे दे दें? दिल्ली की आपने स्थिति देखी, आगे बिहार देखेंगे फिर यूपी देखेंगे, लोकतंत्र में मतांतर जो है स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। सेब के पेड़ भेजे हैं जहां पर सीजन ही नहीं है,
सीजन के बाद भी पेड़ लगा दिए, ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि ये लोग एक सिंगल रंग में रंगना चाहते हैं भारत को, और कहते हैं कि पूरे देश में भाजपा की सरकार आ जाए। ये लोकतंत्र के विरोध की बात करते हैं, ये बहुलतावादी देश में सरकार बर्खास्त कर रहे हैं। एक बार मैं एक बात बता दूं आपको, आईपी सिंह जी, एक मैं उदाहरण दे दूं, नाम लेके उदाहरण दे दूं, शिवकांत ओझा जी भी सहमत हो जाएंगे। पूरब के एक नेता थे कल्पनाथ राय, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही, फिर भी उनकी कंस्टिट्यूंसी चमकदार रही, क्योंकि सांसद में प्रयास करने का मादा था। प्रमोद तिवारी, उनकी सरकार गए तो मुद्दत हो गई। नरेंद्र जी आखिरी मुगल बादशाह थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डीएम एसपी जो आप बता रहे हो कि सब लोग 5000 करोड़ से ऊपर के आदमी हैं, आप समझ लीजिए माध्यम क्या रहा होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आईपी सिंह जी ने ये सब चले, ये चर्चा भी यहां आज का विषय नहीं। प्रमोद तिवारी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास हुआ है, ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कल्पनाथ राय ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास करके दिखाया, जब उनके में राज्य सरकारें रोड़ा नहीं बन पाई तो साक्षी जैसे परम प्रतापी लोगों के, कलराज जी जैसे परम प्रतापी लोगों के कैसे रोड़ा बन गया कलेक्टर और एसडीएम, मैं ये नहीं समझ पाया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर समझेंगे कि आखिर आपके ही सांसदों के साथ ये बवाल व्यवहार क्यों। सवाल ये उठ रहा है कि जब इन गांवों को गोद लिया गया था, फिर आज क्यों अनाथ हैं ये गांव। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवकांत ओझा जी, वही सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले अमिताभ जी ने उठाया था, जब ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी राज्य में सरकारें नहीं रही, बावजूद इसके उन सांसदों ने विकास किया है, फिर बीजेपी के सांसदों के साथ ये बवाल क्यों। चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास फिर लौटेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके साथ भी यही सवाल यही उठता है कि ऐसे उदाहरण तो है ना, फिर बीजेपी सांसद ये बवाल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये इनका खुद का क्रिएट किया हुआ है या फिर एक थोड़ा सा मैं और जोड़ दूं जी। आईपी सिंह जी ने आपके पास आएंगे तो बिने उंगली उठाए आएंगे, अभी जरूरत नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या जी उत्तर प्रदेश के सांसदों ने मुख्यमंत्री को आपत्ति जताई कि आपके नौकरशाह हमको काम नहीं करने दे रहे, तो वो चिट्ठियां कहां हैं? एक, जैसे मोदी जी ने पूछा था कि राहुल गांधी चिट्ठी दिखाएं, उन्होंने अखिलेश जी को कितनी लिखी, वैसे मैं पूछ रहा हूं क्या चिट्ठियां लिखी कलराज जी के द्वारा, चिट्ठी लिखी गई साक्षी जी के द्वारा? साक्षी जी को तो गांव ध्यान नहीं होगा कौन सा गोद लिया, वो उस आनंद में है। निरंजन ज्योति के द्वारा सवाल ये बड़ा है ना, अगर लिखी आरपी सिंह जी आपके पास, अभी नहीं आऊंगा, जब आऊंगा तभी आऊंगा, अभी रुक जाइए, क्या लिखी गई तो वो सार्वजनिक कही जाए। सुरेंद्र जी, गलत बात तो नहीं ना? बिल्कुल सही है साहब। मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप देखेंगे तो आप तो चूंकि संसदीय कार्यों के जानकार हैं, अगर सांसद निधि या इस तरीके की कोई सीधा जाता है, डीएम को पैसा जाता है, तो वहां पर वो सांसद अधिकारी होता है उस चीज को करने का। शिवाकांत जी ने बहुत बढ़िया संसदीय व्यवस्था की बात की कि जब आप डायरेक्ट पैसा भेजते हैं तो वहां पर कहीं पर भी, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना का 75,000 रुपया भेजे और चाहे वो आप अन्य किसी योजना का भेजे, डीएम उस काम को करने के लिए बाध्य है। डीएम उस काम को नहीं रोक सकता, बाकी कामों को रोके करे वो मुझे नहीं पता, लेकिन डीएम आपके कामों को, उन कामों को नहीं रोक सकता जो विकास पर रखूं। फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट जो सबसे बड़ा ये है कि इन सांसदों को, 73 सांसदों को अपनी सांसदी का गुमान ही नहीं है, ये लोग आज की डेट में भी एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ये लोग काम नहीं करना चाहते, कुछ सांसदों को छोड़ दीजिए, बाकी सांसदों तो अपने क्षेत्र में दौरा तक करने में इच्छुक नहीं है। आप अगर इस चीज को देखें, जो सीधा सीधा पैसा सांसद निधि से, सांसदों के खाते से, जिला अधिकारी के खाते में आता है, उसको विकास, आप एक दो प्रश्न और करिए ना, आरटीआई से निकालिए, मैं भी निकालूंगा कि इन लोगों कितना पैसा। ठीक है, शिवाकांत जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास या कैबिनेट के पास बीजेपी के सांसदों ने ऐसा कोई प्रतिवेदन भेजा है कि हमारी बात कलेक्टर नहीं मान रहा,
इस आदर्श सांसद ग्राम योजना में ना, यही 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 अमिताभ जी, अमिताभ जी यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और पूरा हिंदुस्तान जानता है हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव नेताजी से ज्यादा शिष्ट विनम्र शायद कोई आज की राजनीति में काम करने वाला नेता होगा। माननीय कर्नाथ जी आप बहुत बड़े मेरे भी मंत्री रहे हैं, आज भी बहुत बड़े नेता हैं। निरंजन ज्योति जी माननीय मंत्री हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। आप ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने यह कहा कि मेरे विकास की योजना, सांसद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर नहीं कर रहा है। और मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के हिस्से से कह रहा हूं कि हमारी सरकार हर जनप्रतिनिधि, चाहे जिस दल का जनप्रतिनिधि हो, उसको पूरा सम्मान पूरी इज्जत देती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठकों में बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य जो भी आदेश निर्देश करते हैं उसका पालन होना चाहिए, उसमें कोई कटाई नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय मित्र हमारे पूरे क्यों कोरा झूठ बोल रहे हैं, क्यों कोरा झूठ बोल रहे हैं? चरितार्थ तो होती है, तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड, अमिताभ जी, अमिताभ जी, एक एक कहावत प्रचलित है बहुत दिनों से हम लोगों के यहां, अहम डपोर संखोसमी बदामी च ददामी न। तो ये जो बोले बोलते चले जाते हैं, कहां इंतजाम उसका ना? विकास बिना पैसे के नहीं हो सकता, विकास बिना इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता, विकास बिना संकल्प के नहीं हो सकता, वादे बिना संकल्प के पूरे नहीं हो सकते, उसके इंतजाम करना पड़ेगा ना। कहां इंतजाम किया इन्होंने, कहां बजट में प्रावधान किया इन्होंने, कहां किसको पैसा भेजा सीडीओ डीएम के पैसे बताओ, कहां भेजा इन्होंने? आईपी सिंह जी, मेरा सवाल, मैंने हर आदमी से अलग सवाल किया, आप भी उससे परे नहीं है। मैं सवाल करूंगा उसी पर उत्तर चाहिए। मैंने शिवकांत जी से सवाल पूछा, उस पर उत्तर मांगा, सुरेंद्र जी से पूछा, आप फ्री फॉर ऑल नहीं। मेरा सवाल सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसदों ने अगर इस पर आपत्ति जताई तो कल राज्य के कार्यालय में वह पत्र सार्वजनिक होने चाहिए। क्या आपने ऐसे पत्र लिखे मुख्यमंत्री को कि आपके कलेक्टर, आपके मुख्य विकास अधिकारी, हम सुन, बात तो सुन लो, अगर लिखे हैं तो वादा करके जाइए कि कल शाम की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रों को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने यह बात राहुल के लिए कही थी कि चिट्ठी सार्वजनिक करो, अमेठी के विकास के लिए कितनी चिट्ठी लिखी है उन्होंने मुलायम सिंह जी को और अखिलेश जी को, कहा था ना मोदी जी ने, वही बात मैं आप पर लागू करता हूं। कम से कम आपको तो मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी की बात है। प्रदेश कार्यालय वो पत्र सार्वजनिक करे कि 73 सांसदों ने ये आरोप लगाया और ये शिकायत की मुख्यमंत्री से। आईपी सिंह जी, ऐसा करेगी भाजपा? अमिताभ जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरी सरकार नहीं, मेरे प्रश्न के सामने भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद और राज्यसभा के सांसद मेरे प्रश्न का उत्तर, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरने पर बैठे थे दिन भर, क्योंकि वो समय चाहते थे मुख्यमंत्री से, नहीं, वो समय चाहते थे राजभवन से, और मुख्यमंत्री ने दिन भर समय नहीं दिया। और शाम को जब राजभवन हमारे सभी सांसद गए तो मैं उनके साथ गया था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ। और यही यही तकलीफ जो जिन बातों को मैं आपकी तरफ इंगित कर रहा हूं, यही तकलीफ थी, ये जो जिला अधिकारी हैं, ये जो कमिश्नर है, जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, हम चाहते हैं उन योजनाओं में हमें बुलाया जाए, हमें सुना जाए, उन गांवों में मदद की जाए, लेकिन ये अधिकारी हमें सरकार के दबाव में हमसे क्षमा मांगते हैं कि हमें परेशान मत करिए। ये बात सार्वजनिक रूप से चुकी है और चिट्ठियों का बंडल मैं आपके साथ अमिताभ जी वादा करता हूं कि बंडल रखूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी जो कभी हमारे भी कैबिनेट मंत्री हैं, शिवाकांत जी, राजकिशोर के खिलाफ जो मैटर 200 करोड़ का उठाए, गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर की जांच चल रही है, क्या इन मंत्रियों के खिलाफ क्या ये कार्रवाई के लिए कुछ करेंगे आईपी सिंह जी? ये भी बात आईपी सिंह जी, नहीं, लंबी लंबी बात नहीं, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसी बहस के पक्ष में नहीं, उत्तर प्रदेश भर में सब लोग मेरी बहस का फॉर्मेट जानते हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने कहा दुनिया की कहानी मत बताइए हमको, कौन कब धरने बैठा, मूल प्रश्न
सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर सुनिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाधा पहुंचा रहा है। इस विषय को लेकर 73 सांसदों ने कितने पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, वो पत्र सार्वजनिक करिए। अमिताभ जी, 2-4 सांसदों को डायरेक्ट आप इसी शो में फोन कर लीजिए। हमारे जो वो भी सुने और उत्तर प्रदेश की जनता भी उनके दुख दर्द को समझे और आप भी उनके दुख दर्द को समझिए। सरकार कितना बड़ी बाधा खड़ी कर रही है भाई। आईपी सिंह जी तो सुनने ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आईपी सिंह जी माफ करिए मुझे, ऐसे नहीं चल पाएगा। मेरा स्पेसिफिक सवाल उतने उत्तर दीजिए। कलराज मिश्रा से सवाल पूछा, उन्होंने तो नहीं कहा जो आप कह रहे हो कि सरकार बाधा पहुंचा रही। उन्होंने कहा करेंगे भाई करेंगे, वो तो मुस्कुरा रहे थे, कोई तनाव नहीं था। आप किसके किसके कीर्तन सुना रहे हैं हमको? सतीश गौतम ने भी यही कहा, गौतम ने भी यही कहा करेंगे, अभी कहा टाइम है वो करेंगे। किसी ने नहीं कहा सरकार बाधा पहुंचा रही हमको राज्य की। जिसके जिसका मसला वो बोल नहीं रहा, आप झंडा लिए हो सांसद तो लाओ पकड़ के। और मैं तो सांसद के टेलीफोन पर विश्वास ही नहीं करता। मुझे चिट्ठी दिखाइए जो मोदी जी ने कहा था राहुल गांधी चिट्ठी दिखाए मुलायम सिंह जी को और अखिलेश, और उन्होंने आगे जाके एक और अच्छी बात कही थी, मैं वो ही बात फिर पुनरुद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन अगर राहुल जी ये कहे कि आओ भैया उत्तर प्रदेश में ये अच्छा काम करें, तो मुझे भरोसा है नेताजी मना नहीं करेंगे, अखिलेश जी मना नहीं करेंगे, कोई राजनेता मना नहीं करेगा। ये बात मोदी जी ने कही, उसी गायत्री मंत्र का पालन करते हुए आपने कितनी चिट्ठी लिखी वो कल जनता के सामने रख दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। काहे को इसमें प्रमाण दीजिए, लेकिन कहीं सुनी बात नहीं। बिजली व्यवस्था पर चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था पर आज चर्चा नहीं, आज चर्चा इस पे सांसद आदर्श ग्राम योजना में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार रोड़ा है तो आपने उस रिड्रेसल के लिए, उससे निजात के लिए क्या संवैधानिक उपाय अपनाए वो बताइए प्रदेश को, अन्यथा आपकी गलती मानूंगा। इतनी सी बात है। सुरेन जी लास्ट टिप्पणी। देखिए, मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि आईपी सिंह जी जिस तरीके से बात कह रहे हैं वो गैर जिम्मेवारी वाली बात है अपनी जगह पर। सांसदों के पास एक विशेष अधिकार होता है कि अगर आपका डीएम, आपका एसपी आपकी बात नहीं आ रहा है तो आप उसको संसद की प्रिविलेज कमेटी में ला करके उस आदमी को तो वहां पे आप ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि जिंदगी भर वो दोबारा कलेक्टर के काबिल नहीं रहेगा। कितने सांसदों ने विशेषाधिकार का अपने इस्तेमाल किया, 73 सांसद इनके साथ में है। और ये विकास की चीज है आईपी सिंह जी, इसमें हंसने से काम नहीं चलेगा। आज की डेट में जनता आपने कितना किया कि आपने आपने कभी कुछ इस तरह का किया हो, के खिलाफ तो मोर्चा खोल ले। हमें कांग्रेस की सीट की जरूरत नहीं है, हम जनता की हमारी जवाबदेही है, कांग्रेस के प्रति हमारी जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस जनता की बात करती है, जनता की बात करती है और जनता धूल चटा देती है कांग्रेस को। ठीक है आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी ये भाषा मत बोलो कोई कि जनता केवल एक पार्टी को धूल नहीं चटाती, उसके हाथ में जो डंडा है उस डंडे के नीचे सबके सर है। कोई डंडे से ऊपर है क्या? तो इतिहास बताओ। इस देश में वाजपेयी जी चुनाव हारे, इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी। आप क्या सोच रहे हो जनता इस कार्यालय के फेवर में उस कार्यालय के अगेंस्ट है क्या? नहीं ना, जनता की सर्वशक्तिमत्ता जो है उस पर सवाल मत उठाइए कि कांग्रेस को धूल चटा देती है, कि बसपा को चटा देती है, कि आरएलडी को चटा देती है, कि सपा को, कि भाजपा को। नहीं, वो सबके मालिक है, हमारी भी मालिक वही है। वो चाहेगी तो चैनल देखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देखेगी। आईपी सिंह जी अब नहीं, आप तो जानते हो मैं बार बार टोकूं आपको अच्छा लगता है क्या बहस में? नहीं ना, आप सम्मानित मेहमान हैं, मर्यादा का पालन करिए। मैं आज जिस बहस को लेके आया तकनीकी विषय है, नारेबाजी का सवाल नहीं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, ये सब नारेबाजी का टाइम नहीं है। मंच आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना अगर भारत के प्रधानमंत्री ने विजुअलाइज की, उसके उसका खाका अपने स्वप्न में खींचा, अपने मस्तिष्क में खींचा और लाल किले से देश को सौंपा, तो ये उनकी जिम्मेदारी, मेरे शब्दों को सुनिएगा, जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों बनती है कि उसके लिए एक सुस्पष्ट संवैधानिक कानूनी प्राविधान होना चाहिए। मैं सुरेंद्र राजपूत की इस बात से सहमत हूं। मैंने
20 बरस लोकसभा को कवर किया है रिलीजियसली, 20 बरस। मुझे पता है अधिकारी की हैसियत कितनी होती है विधायिका के भीतर। एक प्रिविलेज मोशन कलेक्टर को मुश्किल में डाल देगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। मजाक है क्या? और सब बातें एक तरफ, आपके किसी भी सांसद ने हमारे कैमरे पर आके वो क्यों नहीं कहा जो आप बता रहे हो नई खबर के सांसदों को जबरन रोका जा रहा है विकास से? क्यों? कोई तो बोलता, कलराज जी बोलते, निरंजन ज्योति जी बोलती, साक्षी जी महाराज बोलते, कोई तो बोलता आपकी बात। जिनका मसला था, जिनको पता था कि ये टीवी पे चलेगा तो मेरी छवि प्रभावित होगी, तो उनको ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं कही उन्होंने। शायद उनको लगा होगा अमिताभ जी प्रमाण मांग लेंगे तब क्या दिखाएंगे, इसलिए नहीं बोले, नहीं तो बोल देते। लेकिन नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। अगर आप प्रमाणित कर देंगे कि राज्य की सरकार जिसमें शिवाकांत ओझा जी मंत्री है ये दोषी है, तो फिर मैं एक अगला शो लेके आऊंगा और उसमें राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। लेकिन प्रमाण दीजिए, कहीं सुनी बात पर यकीन नहीं करूंगा। कल प्रमाण दिखाइए प्रेस को कि इस पर्टिकुलर योजना पर हमारे सांसदों ने यह संघर्ष किया है, यह उसके दस्तावेज है, दिखाइए संघर्ष। मैं उत्तर प्रदेश के उन 73 गांवों के साथ खड़ा हूं, मेरे लिए भाजपा और कांग्रेस सपा बसपा नहीं, मैं उनके विकास के लिए खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपके सांसदों की जिम्मेदारी और उनकी गंभीरता को भी परखूंगा। बात केवल हवा में उछालने के लिए अगर उछाली गई है, अगर यह जुमला है तो राजनीतिक जुमलों की एक मर्यादा होनी चाहिए। लोगों के सपनों से मत खेलिए जुमलों से, यह निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपी सिंह जी आपका, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवकांत ओझा जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।